स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. एंड टुडे वी आर टेकिंग पोएम नंबर 4th, द लेक ऑफ इजल ऑफ इंसफ्री. तो जो इजल ऑफ इंसफ्री लेक है, वो पोएम हम ले रहे हैं और देखने वाले हैं कि पोएम में क्या है और जो पोइट है वो क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है. देखो, दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांसक्विलिटी ऑफ इंसफ्री. कि अब देखिए क्या कहने कि जो इंसप्री है वो इसकी जगह है, ठीक है. जो पॉइट है वो एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है. जो पोएम वो बता रहे कि जो पॉइट की जो इच्छा है वो पीस की है, शांति की है और ट्रांसक्विलिटी की है. देखो, पीस एंड ट्रांसक्विलिटी एक दूसरे के सिनोनियम है, एक दूसरे के सिनोनियम है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं. दोनों का मीनिंग एक है. पीस यानी शांति और ट्रांसक्विलिटी का मतलब ही शांति. ऑफ इंसफ्री, इंसफ्री जगह का नाम है. तो कहने का मतलब कि जो पॉइंट है उसकी इच्छा है कि वो जाकर रहे उस शांति के अंदर जो इंस फ्री नामक जगह की है, ठीक है. तो इंस फ्री की जो शांति और ट्रांसक्लूटी है वहाँ पर जाकर उसकी रहने की इच्छा है. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. मतलब इंस फ्री वो स्थान है जहाँ पे उसने बहुत सारा समय बिताया जब वो बॉय था, लड़के के रूप में. दिस पोएम इज लिरिक पोएम है. और अब हम इसको देखते हैं, आगे पढ़ते हैं. अब जो आई इसमें यूज रहा हूँ पोइट के लिए यूज रहा है. और लेट्स सी, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड टू गो टू इंस फ्री एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मैट नाइन बीन्स रू विल आई हैव देयर अ हाई ऑफ हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड्स. कि क्या कहे कि आई विल अराइज, कि मैं एक दिन उठूँगा और चला जाऊँगा. अराइज का मतलब इसे जगना होता है, लेकिन यहाँ पे जागने का क्या कह रहा है कि जब मैं पूर्ण रूप से जाग जाऊँगा और फिर मैं चला जाऊँगा. कहाँ चला जाऊँगा? इंस फ्री वाले स्थान पे चला जाऊँगा, इंस फ्री वाले जगह चला जाऊँगा. ए स्मॉल कैबिन बिल्ड दे, और वहाँ पे एक छोटा सा जो केबिन है, जो झोपड़ी है, वो बनी हुई होगी. बनाऊँगा मैं वहाँ पे जाके, किसकी? मिट्टी की और लकड़ी की. तो ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, कि वो मिट्टी और वेटल्स की बनी हुई होगी, लकड़ियों की बनी हुई होगी. नाइन बीन्स रो विल आई हैव देयर, मतलब वहाँ पे रोज़ होंगे, मतलब खेती करने के लिए जगह भी होंगे. नाइन रोज़ होंगे वहाँ पे, इस प्रकार से कह रहा है वो. विल आई हैव देयर, मेरे पास में वहाँ पर अ हाइव फॉर द हनी बी, और जो मधुमक्खी है उसका एक छत्ता भी होगा वहाँ पर. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड्स, और मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा. किसके अंदर? जो मक्खियाँ हैं, मक्खियों की. ग्लेड का मतलब ओपन एरिया, ओपन एरिया. अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, मतलब उस ओपन एरिया में रहूँगा जिसके अंदर जो मक्खियाँ हैं, बीज है, वही रहती है. उस वाले शांति वाले इलाके में मैं रहूँगा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और कम से कम वहाँ पे मुझे कुछ पीस तो मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी. तो जो पॉइंट है वो बड़ा परेशान हो चुका है, जो शहर की जो भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है और जो अशांति वाली जो ज़िंदगी है, लाइफ है. क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों के अंदर इतना एयर पोल्यूशन है या नॉइज़ पोल्यूशन है, उस नॉइज़ पोल्यूशन से ये बड़ा परेशान हो चुका है. और ना ही ताजगी है, ना ही शांति है. तो वो चला जाना चाहता है इंस फ्री नामक जगह पर, जहाँ पर वो कैबिन बनवाएगा. किसका? मिट्टी का. मिट्टी की दीवारें होंगी और साथ ही साथ जो लकड़ी है उसका प्रयोग करके वो अपना कैबिन बनवाएगा. और वो सोचा कि कम से कम वहाँ मुझे कुछ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. और जो पीस है, जो शांति है, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, मतलब कि धीरे धीरे वहाँ पे शांति आने लग जाएगी. जैसे जैसे जो वेल है, पर्दा है, मॉर्निंग का मतलब सुबह का जो पर्दा है, वो जैसे जैसे हटेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे मुझे शांति आने लगेगी. ड्रॉप का मतलब गिरना. अब मॉर्निंग का पर्दा गिरेगा कैसे? मॉर्निंग का पर्दा गिरेगा तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, कि जो मॉर्निंग का जो पर्दा है, जैसे जैसे वो ड्रॉप होता चला जाएगा, मुझे शांति मिलती चली जाएगी. टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, वो जगह जहाँ पे जो क्रिकेट्स है. ध्यान रखना, क्रिकेट एक खेल का नाम नहीं है. एक कीड़े मकोड़े होते हैं जो बिन बिनाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, झिंगूर कहा जाता है. जहाँ पे जो क्रिकेट्स है वो गीत गाएंगे. एंड देयर मिड नाइट्स ओल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, कि जो मिड नाइट पूरी रात वो ग्लिमर होगी, ग्लीम जैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और छोटी होगी. और जो नून है वो पर्पल रंग का ग्लो हो जाएगा,
मतलब रात भी, जो रात है मिड नाइट है वो भी बिल्कुल चमकदार होगी, और जो दोपहर है वो पर्पल रंग से ग्लो करेगी, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और जो पर्पल है आगे क्या कह रहे हैं, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स, कि जो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लिनेट्स जो लिनेट्स है वो एक प्रकार का काइंड ऑफ बर्ड है, स्मॉल, देखो यहाँ पे लिखा है लिनेट्स, ए स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बीक, इसकी मतलब शॉर्ट छोटे से बीक होती है, एक बर्ड है ये, ठीक है ना, क्या ये एक पक्षी है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बर्ड है ये एक प्रकार का लिनेट। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारी स्पेरो होती है, जो चिड़िया होती है, उसी प्रकार से वो क्या कह रहे हैं कि जो लिनेट है, लिनेट इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, की जो इवनिंग है, जो शाम है, वो फुल हो जाएगी, भरी हुई होगी, किसे, उसके पंखों से, उस लिनेट विंग्स के से भरी हुई होगी, लिनेट बर्ड के जो विंग्स है पंख उससे भरी हुई होगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कि क्या कह रहे हैं, मैं जगूंगा और चला जाऊंगा एक दिन, हमेशा हमेशा के लिए, दिन और रात के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ अ लो साउंड बाय द शोर, शोर यानी किनारा, कि मैं सुनूंगा जो लेक है, जो झील है, उसके वाटर जो लैपिंग हो रहा है, उस लैपिंग को मैं सुनूंगा, क्या कह रहे हैं वापस, ओके, आई हियर द लेक वाटर, कि मैं सुनूंगा उस लेक का वाटर, उस झील का पानी, लैपिंग विथ लो साउंड, कि जो लैप कर रहा होगा, गिर रहा होगा गोदी में, उस झरने में गिर रहा होगा, उस लेक में, उस झील में गिर रहा होगा, लैपिंग विथ स्लो साउंड बाय द शोर, मतलब किनारे के ऊपर जो झील में पानी भरा हुआ होगा और जिसमें लो साउंड आ रहा होगा, धीरे धीरे आवाज़ आ रही होगी, उसको मैं सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, के लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पर, रोड के ऊपर, ऑन द पवमेंट ऑफ ग्रे, और ये जो ग्रे कलर का पवमेंट है, फुटपाथ है, इसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, इसको मैं सुन पा रहा हूँ, कहाँ से, गहरे दिल की गहराई से, जो कोना है मेरा दिल का, जो हार्ट कोर है, उसकी गहराई से मैं इसे सुन पा रहा हूँ, मतलब इमेजिन कर रहा है कवि कि मैं एक शांति वाले इलाके जाऊँगा, स्पेशली जो जो इजिल ऑफ इंस्प्री है, जो लेक इजिल ऑफ इंस्प्री है, वहाँ पे मैं जाऊँगा, एक केबिन बनवाऊँगा, वहीं रहूँगा, क्योंकि शहरों में शांति नहीं मिलती है, और शहरों में जो है वो ट्रांसक्यूटी नहीं है, शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो ये कहाँ पे जाने का इरादा करता है, ये इरादा करता है कहाँ पर, ओपन फील्ड के अंदर, वो जगह जो इंस्प्री की है, लेक के पास में जाएगा ये, जहाँ पे लेक का साउंड भी होगा, वहाँ पे दूसरे जो छोटे मोटे जीव है, पक्षी है, उनकी चहचहाट होगी, उनका गीत होगा, लेकिन यहाँ का जो व्हीकल्स का या ट्रैफिक का जो साउंड होता है, जो नॉइज़ होता है, वैसा साउंड वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ शांति होगी, वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा पोइट फील कर रहा है। तो वी हैव डन दिस पोएम, आर